आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नो ट्रैकर में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ वेस्ट पड़ी लकड़ियों से और सफ़ेदे के जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उससे कुछ एक अनोखा डिज़ाइन बनाने वाले हैं, एक अनोखा डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक थर्माकोल की शीट ली, उसको काट लिया है। उसके बाद इस तरह से सफ़ेदे की डंडी ली, उनको भी हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया जैसे आपको दिख पा रहा है। और उसके बाद जो है पूरा जो प्रोसेस है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते रहेंगे, इस वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के जो छिलके होते हैं, जो छाल होती है वो ले ली, उसको छोटे छोटे पीसेस में या तो आपको कट कर लेना है, अगर आप कट नहीं करते तो उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है, सेपरेट कर लेना है जो आप लगा सके ठीक ढंग से। तो देखिए ये जो छाल है, इस तरह से हमने छोटे छोटे जो पीसेज हैं वो आप ऑलमोस्ट यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद आपको कलर लेना है, डंडी लेनी है, उसके बाद आपको ना यहाँ पर कलर कर देना है जो आप कलर चूज़ करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग कलर होना चाहिए डिफरेंट, ताकि जो जब आपका जो डेकोरेटिव प्रोडक्ट तैयार होने वाला है तो वो एक अच्छा सा लगे, बिल्कुल अलग सा लगे। इसलिए हमने यहाँ पे छः से सात कलर चूज़ करे, और छः से सात कलर फिर इन जो पीसेस थे, जो हमारे पास जो छोटी छोटी डंडियाँ थी और जो छाल थी उसके ऊपर यहाँ पे हम कर चुके हैं कलर। तो ये इस तरह से आपको कलर कर लेना अच्छे से, और ये वाटर कलर होते हैं तो हाथ में भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब ये जो छाल है ना, इसको इस तरह से छेद करके कैंची की सहायता से हमें अब इसके अंदर इस तरह से ये जो डंडी है ये लगा देनी है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रेड वाली ली, रेड वाली के अंदर भी देखिए बिल्कुल आराम से, और ध्यान रहे कि ये जो कैंची है ना आपके हाथ में ना लग जाए। उसके बाद रेड वाली को भी इस तरह से आपको लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाली डंडी, यानी कि रेड वाली का ये, तो इसके अंदर भी एक छिल ऐसे छेद करने, और उसके बाद उसकी जो डंडी है यानी कि मैचिंग होना चाहिए, सेम कलर सेम डंडी। और उसके बाद येलो वाली को भी हमें इसी तरह से कर देना है जैसे ये हमने किया, एक छेद किया, उसके बाद इसके अंदर सेम एज इट इज़, सेम मतलब जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पर आपका रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर अब हमने इसके अंदर भी डंडी लगा दी है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला बच जाता है, तो इसके अंदर लास्ट में इसके अंदर भी यहाँ पे डंडी लगा देते हैं। तो सारा जो प्रोसेस है अब वो पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, और उसके बाद सारी चीज़ें, जो सारा प्रोडक्ट था हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अभी इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल कैसे करना है आपको, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जो थर्माकोल शीट ली थी उसमें इन डंडियों को लगाना है। लेकिन उससे पहले यार थर्माकोल को भी थोड़ा सा कलर से कलर कर लिया जाए, थोड़ा सा इसको भी डेकोरेटिव बना लिया जाए। तो साइड में ब्लू कलर कर दिया है हमने यहाँ पे, और उसके बाद हमें आई थिंक थोड़ी सी और डेकोरेशन के लिए इस पे ना हमें इस तरह की टेप लगानी है। तो हमने उसके बाद डेकोरेशन के लिए ये रेड कलर की जो कलरिड टेप आती है वो लगा दिए हैं यहाँ पर, और इसको ना चारों तरफ से आप लगा लेंगे ताकि इसका एक सुंदर सा बॉर्डर बन जाए। तो इस तरह से चारों तरफ हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा लिए। अब ये देखने में थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, और नीचे जो वाइट है ना, वाइटनेस जो आ रही है थर्माकोल की शीट की, तो वो भी यहाँ पे इसकी लुक बढ़ा रही है। तो ये जो चीज़ें होती है ना बहुत ही आसान होती है, ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा मेहनत करने के वाली होती नहीं है, या ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं होता, बिल्कुल ईजी सा है। उसके बाद जो आपने जो डंडियाँ तैयार की थी ना उनको थोड़ा थोड़ा गैप पर इस तरह से लगा देंगे। और यार ये डिज़ाइन ना बिल्डिंगों में बनता है, जो आजकल हमारे इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, वहाँ पर इस तरह के छज्जे जो है, एक डेकोरेटिव छज्जे हम कह सकते हैं, बालकोनी यानी कि देखिए वो हम खड़े नहीं हो सकते, उसके अंदर क्या होता है कि पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, जो येलो कलर की, रेड कलर की, और जो ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, ऑरेंज कलर की, जो ये बालकोनी सी बनी हुई ना, ये बड़े बड़े बालकोनियाँ बनती हैं और उसके ऊपर डिज़ाइन बनता है, बहुत अच्छा लगता है, कलरड लगता है। और अब लास्ट में फाइनली ये तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए इसी तरह से नए नए आइडियाज़ लाते रहेंगे।